नमाज पढ़ ली तुमने? तो भाई जुमे की नमाज तो हमने पढ़ ली है अभी आली, और अब थोड़ा मोड़ा घर का काम बचा है तो वो निपटा लेते हैं, और उसके बाद आज हमारे दोस्त का निकाह है तो हमको निकाह में जाना है, और वक्त बहुत कम बचा है, अभी 4 तो यहीं बच गए, घर के काम में टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो गाइस हम लोग मस्जिद आ चुके हैं, बस यहीं पर हमको असर की नमाज़ पढ़ना है और हमारे दोस्त का फिर यहीं पर निकाह है। बहुत सदियों बाद, मुद्दतों बाद दामन में खुशियाँ आई हैं हमारे भाई। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। ये देखो कभी कभी आने वाले मोती मस्जिद, देखो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं बेचारे, सागर दमों वाले कभी कभी आने वाले, देखिए आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बेखैरियत से होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 10:30 बजे, और बच्चे अपने रेडी है, नहा धोके बस अपन को नहाना बाकी है, नाश्ता भी अपना तैयार रखा हुआ है, तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नहा के आते हैं। और आज अपन को जाना है बंसल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर होने वाला है बाइक स्टंट शो, मैंने आपको कल बताया था कल के व्लॉग में। तो 4 बजे की टाइमिंग है, तो वहाँ चलेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ स्टंट शो कैसा होता है भोपाल में। तो चलिए फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ पहले, फिर नहा धो लेता हूँ, तो फिर नमाज भी पढ़ना है हमको। नमाज पढ़ ली तुमने? तो भाई जुमे की नमाज तो हमने पढ़ ली है अभी आली, और अब थोड़ा मोड़ा घर का काम बचा है तो वो निपटा लेते हैं, और उसके बाद उताई हो रही है। उताई नहीं हो रही अभी, पता ही बाद में होगी। तो असर में हमारे एक दोस्त का निकाह है तो हमको वहां भी जाना है, तो चलो अभी घर का थोड़ा मोटा काम बचा वो निपटा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे असर में, ठीक है? मेरी मैं भी चल चल किधर आ नहीं भैया, क्या करोगे आप? देखूंगा मैं। क्या निकाह देखो? चलो ठीक है, दूसरे में गंदे तो कर लिया आपने पूरे, अभी नहीं अभी नहीं असर में, ठीक है? चलो ठीक है। 2 hours later। तो गाइस अपडेट ये है, हमको जाना था स्टंट शो में, लेकिन आज हमारे दोस्त का निकाह है तो हमको निकाह में जाना है, और वक्त बहुत कम बचा है, अभी 4 तो यहीं बच गए, घर के काम में टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, खाना वाना भी नहीं खाया अभी, तो जल्दी से स्पीड में खाना वाना खा के पहले हम निकाह को अटेंड करते हैं, फिर वहां से टाइम मिला तो जाएंगे फिर स्टंट शो में, वरना फिर उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निकाह जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट खाना खा के निकलते हैं, मिलते हैं आपसे निकाह की लोकेशन पे। तो गाइस हम लोग मस्जिद आ चुके हैं, बस यहीं पर हमको असर की नमाज़ पढ़ना और हमारे दोस्त का फिर यहीं पर निकाह है। तो ब्रा भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? सलाम अलैकुम, बहुत सदियों बाद, मुद्दतों बाद दामन में खुशियाँ आई हैं हमारे अजीज दोस्त शाकिब भाई, माशाल्लाह उनका निकाह आज जहाँ पे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ये हमारी मोती मस्जिद है, और ये देखिए उनके दोस्त यार आते हुए शाकिब भाई के। चलो तो नमाज अदा करते हैं, चलो फिर निकाह पढ़वा देते हैं। ये देखिए भोपाल की सबसे खूबसूरत जामे मस्जिद, मोती मस्जिद, पता नहीं कौन से बादशाह ने बनवाई थी, हमें तो नाम भी नहीं पता, लेकिन भोपाल की खूबसूरती देखो आप ये मस्जिद में, और एक ताजुल मसाजिद है वो तो सब जानते ही हैं, ये भी एक मस्जिद है भोपाल की। चलो इसी में बड़े बड़े निके होते हैं, बहुत बड़े बड़े निके। तो गाइस देख सकते हैं आप, निकाह हो चुका है भाई का कंप्लीट, काफ़ी सारे लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं, और ये इन लोगों की फोटोएँ ख़त्म नहीं हो रही, लगे हैं बस फोटो खींचने। तो बस यहाँ से निकाह हो चुका है मुकम्मल, अब निकलते हैं हम यहाँ से अपने घर की तरफ वापस, और मुझे लगता है बराबर कुछ कहने आ रहा है। हाँ भाई बोले भाई, ये इन्हीं का निकाह हुआ है, जो आप देख रहे हैं वो बुजुर्ग खड़े हुए ना उन्हीं का, यही बुजुर्ग हैं जिनसे लोग हाथ मिला रहा है, माशाल्लाह आज के विधायक भाभी विधायक हैं। लेकिन आप निकाह की देखो बरकत, चेहरे पर रौनक आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल नूर आ रही है उनके चेहरे पर माशाल्लाह। देखो कभी कभी आने वाले मोती मस्जिद,
देखो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं बेचारे सागर दमो वाले कभी कभी आने वाले। देखिए आप ये नहीं रो रहा है। 600 मोबाइल खरीद लिया उन्होंने आईफोन और ऐसा लग रहा है भाई हो चुका है निकाह मुकम्मल। अब यहाँ से रवानगी अपने घर की तरफ वापस। तो देखा आपने कितना आसान और सिंपल है शादी का तरीका। बस मस्जिद में आओ निकाह करो और मिठाई बांट के अपने घर जाओ। तो भाई का परसों के दिन वलीमा है बस खत्म यही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इतनी आसानी के साथ शादी हमारे यहाँ मुकम्मल हो जाती है। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ वापस। आ चुके हैं अपन घर वापस। हो चुका भाई का निकाह। अब परसों उनका वलीमा हो जाएगा। बस हो गई शादी मुकम्मल। तो चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्यों क्या हो रही है? वीडियो बनवाने मजा आता है? हैं क्या मजा आता है? अच्छा एक बात बताओ जरा क्या? जरा क्या? आज तुमने अपने बाल काट लिए थे? हाँ। क्यों क्यों काट? काम कर लिया। काम कर रहा था? क्या काम कर रहा था? है बाल माल मत काटा करो भैया गंजे हो जाओगे। गंजे होना है? है होना है? है हम तो चाचू से कटवाएंगे बाल। क्यों? हम चाचू के अच्छे लगते हैं बाल। तो बाल बड़े तो करना था अपन को। कैसे? आपके कैसे? खुद हो जाएंगे वो तो खुद ही नहीं होंगे? हो जाते हैं। देखो कितने बड़े होगा। चोटी बांध दी अपन ने। हाँ देखो देखो आईने में है ना। इधर आओ। ये तो दो लग जाएगी। खेलने की चीज नहीं है ये। क्या है अभी कूदा कादी मत करो। अच्छे से बैठो अच्छे से बात करेंगे। बनाओ अच्छे से बैठो। सीधे बैठो पहले सीधे बैठो। अच्छा एक बात सुनो वो क्या हो गया? हाँ तो ईद पढ़ान तुम्हारी चड्डी में कठान लोवर पहने हो चड्डी नहीं पहने। हाँ तो लोवर में कठान। मैं भी गलत बोला। क्या गलत बोला मैंने? गलत बोला गलत बोला। क्या क्या गलत बोला? किसने? आपने। क्या गलत बोला मैंने? क्या ना गोला गोला है? गलत बोला। क्या गलत बोला? गलत क्या गलत बोला ये तो बताओ पहले। कुछ गलत नहीं बोला मैंने। बोला है। देखो आपके लोवर में देखो गठान लगी है। देखो कहां? देखो कहां? इधर आओ दिखा। इधर आओ ना इधर तो आओ दिखा। हाँ। जी देखो नाला का है। नाला नहीं है? हाँ तो नाला होता है तो गठान लगती है। समझ गए? नहीं नहीं समझे। गलत बोला। नहीं बोला बोला नहीं बोला बोला। अच्छा ठीक है अब नहीं बोलेंगे। टोपी तो रख दो एक साइड। अब तकिए से लग जाएगी लग जाएगी। बच बोल 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 क्या बोल लिया था? फुजी छूट जाऊंगा। छूट के बता चल छूट के बता। लो लो छूट गया। कहाँ छूटा कहाँ छूटा? कोई नहीं छूटा। पकड़ा हुआ है मैंने देख देख पकड़ा हुआ है। क्या बांधेगा हाथ? ले बांध पूरे मोबाइल पे बांध। मोबाइल नहीं बनता। मेरा गला गला पकड़ा ही नहीं है मैंने। छोड़ लूंगा अच्छे से छुड़वाऊंगा।
चलो बस अब ये जो करूंगे। थकते नहीं हो तुम? नहीं। क्यों? पैर भी बांध लूंगा। तो गाइस टाइम हो रहा है रात के 9:30 और आज भोपाल में काफी बढ़िया शो था। जैसा कि आपको मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था, भोपाल में स्टंट शो होने वाला था आज, जो कि हो चुका है, लेकिन हम किसी वजह से वहाँ पे जा नहीं पाए। आपको वजह मैंने बताई दी थी। तो चलो फिलहाल अपन बाहर थोड़ा घूम फिर के आते हैं और आज इससे भी मिल लेते हैं, उनसे पूछेंगे जरा कैसा प्रोग्राम रहा, उसने तो वहाँ पे परफॉर्म किया है। तो चलो उससे मिल के आते हैं अपन। 2 hours later तो फाइनली गाइस हम अपने दोस्त से मिल के घर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है रात के 12, क्योंकि पता ही नहीं चला बातों बातों में कितना टाइम निकल गया। अब मुझे फटाफट से ब्लॉग भी एडिट करना है ये वाला, और टाइम काफी ज्यादा हो रखा है और उसके बाद सोना भी है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।